बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ई मदरसा डॉट कॉम के एक और ट्यूटर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम असम जावेद और इस ट्यूटर में हम लोग कवर करेंगे वाटर मार्किंग। वाटर मार्क जो हैं वो आपकी इमेजेस उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि दूसरे जो फोटोग्राफर्स हैं वो उसे कॉपी करके उसे अपने नाम से इस्तेमाल ना करें, उसके लिए हम लोग वाटर मार्क का इस्तेमाल करते हैं। और फोटोग्राफर्स जो हैं उनके लिए वाटर मार्किंग इमेजेस को करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो आप लोग वाटर मार्क देख रहे हैं हम लोग इसको कवर करेंगे। ये जो ट्यूटोरियल है ये एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है, विच इज़ आस्क्ड बाय ए स्टूडेंट यूनिक अरीच, आई थिंक आई एम राइट। सो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि उन्होंने अपनी जो इमेजेस हैं, आई थिंक शी इज़ अ फोटोग्राफर, सो उन्होंने अपनी जो इमेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए उन्हें वाटर मार्क के बारे में जानना है। सो हम लोग यहाँ पे वाटर मार्क जो आप लोग देख रहे हैं इसको बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने वो सी इमेजेस जो हैं उनको डाउनलोड किया है, मुख्तलिफ रिसाइज्ड इमेजेस हैं, हम लोग किस तरह उनको अरेंज कर सकते हैं क्विकली और प्रोफेशनली। सो हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन जॉइन अस ऑन ई मदरसा डॉट कॉम। आप लोग हमें ई मदरसा डॉट कॉम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग का जो हमारे पास जो सर्वे है ट्यूटोरियल्स के लिए उसको फिलअप कीजिए, सेंड कीजिए। और अगर आप लोग फोटोशॉप को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं और अगर आप लोग उसकी जो डीवीडीज़ हैं उनको बाय करना चाहते हैं सो आप लोग इस बैनर पे क्लिक करेंगे। आप लोग हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ फेसबुक डॉट ई मदरसा डॉट कॉम। और हम लोग यहाँ पे जो ट्यूटोरियल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। सो हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप में जाएंगे। आई एम यूजिंग फोटोशॉप CS5 और मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लूँगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फाइल ली है, बट आई एम गोइंग टू फाइल न्यू और यहाँ पे मैं इस ट्यूटोरियल के लिए जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट करूँगा। एंड आई एम प्रेस ओके। आप लोग किसी भी साइज की फाइल ले सकते हैं मगर उसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वाटर मार्क के लिए एक एक्शन बनाएंगे जो कि एक्शन की मदद से बार बनेगी। ये जो बार होगी ये किसी भी साइज के वॉलपेपर के ऊपर परफेक्टली फिट आएगी जो कि हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। लाइक अगर आप लोग यहाँ पे इस इमेज को देखें और इस इमेज को देखें, इसकी जो विर्थ है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है। सो हम लोग इस विर्थ पे भी एक्शन की मदद से बार बनाएंगे और इसके ऊपर भी हम लोग बार। सो हमें बार जो है वो बनानी नहीं पड़ेगी बार बार, और आप लोगों को ड्रैग और उसके अंदर उसकी ट्रांसपेरेंसी और ब्ला 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 आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोग जस्ट सिंपली एक्शन से प्ले करेंगे और आपकी जो बार है ये बन जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर जो आप लोगों ने अपना टेक्स्ट ऐड करना है वो भी सिंपली क्लिक से ऐड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप में आएंगे और हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी लेयर एक फाइल ओपन है। मैं यहाँ पे एक्शंस पैलेट में जाऊँगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वाटरमार्क बार बनाया हुआ है जिसको मैं एक्शन को मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा और मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा विच इज़ गोना बी ई मदरसा एक्शंस। आई एम गोना प्रेस एंटर टू ओके और मैं यहाँ पे एक न्यू एक्शन बनाऊँगा और इस एक्शन का नाम रखूँगा वाटरमार्क बार और मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करूँगा। सो नाउ वी आर रिकॉर्डिंग आवर स्टेप्स। सो मैं यहाँ पे इसको हाइड करूँगा सबसे पहले और इस फाइल को मैं सेलेक्ट करूँगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो है ये हमारी इमेज है जो कि इस वक्त हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करूँगा इसको सेलेक्ट करने के लिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट में जाऊँगा और हमारी ये जो सिलेक्शन है इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा और मैं यहाँ पे अपना ये जो सेंटर नोड है, टॉप सेंटर नोड है, इसके ऊपर मैं जाऊंगा। मेरे पास डबल हेड एरो आएगा, मैं शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से इसको अरेंज करूंगा लाइक दिस। सो आप लोग इसको यहां पे भी अरेंज कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इसको आप लोग ड्रैग करके यहां पर भी अरेंज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इस वक्त अपने वाटरमार्क इमेज में देखा है जो कि हम लोगों ने इस वक्त गूगल के ऊपर ओपन किया था। सो मैंने इसको जहां पे भी आप लोगों ने इसको अरेंज करना है इस बार को, ये ऑटोमेटिकली बार आ जाए करेगी। सेंटर में भी आप कर सकते हैं, टॉप पे भी कर सकते हैं और बॉटम पे भी कर सकते हैं। सो फॉर मी दिस प्लेस इज परफेक्ट। सो मैं यहाँ पे इसको अरेंज करने के बाद मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा और इस मैं ट्रांसफॉर्मेशन को कन्फर्म करूंगा। कन्फर्म करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूंगा और न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको फिल करूंगा। हमारे पास ये जो सिलेक्शन है मैं इसको फिल करूंगा विद ऑल्ट बैकस्पेस, जो मेरा फोरग्राउंड कलर है ब्लैक कलर। मैं इसको यहाँ पे फिल किया है और इसको फिल करने के बाद मैं अब इस ये जो हमारे पास सिलेक्शन है
इस सिलेक्शन को मैं डी सिलेक्ट करूंगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी। सो हम लोगों ने एक न्यू फाइल ली है, उसको सिलेक्शन ली है उसकी। सिलेक्शन लेने के बाद उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है सिलेक्ट मेन्यू में से, और उसको जिस जगह पे हम लोगों को वो चाहिए वहां पे हम लोगों ने इसको एडजस्ट किया है। एडजस्ट करने के बाद हम लोगों ने उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोगों ने एंटर किया है, और उसके बाद हम लोगों ने उस सिलेक्शन को न्यू लेयर लेके फिल किया है विद फोरग्राउंड बैक कलर। अब उसके बाद हम लोगों ने उस को कंफर्म किया है, और हमारे पास ये जो बार है ये कुछ इस तरह हमारे सामने आ रही है। और अब मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसको 35% पे करके एंटर प्रेस करूंगा, और इसकी जो ओपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली 35 हो जाया करेगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा इस लेयर के ऊपर, और इसके जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं मैं उनको ओपन करूंगा, और यहां पे मैं ऐड करूंगा एक अदद स्ट्रोक। इस स्ट्रोक को जब हम लोग ऐड करेंगे, इसमें यह है कि जब आपके पास कोई ऐसा इमेज है जिसके ऊपर जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, तो उसकी जो स्ट्रोक है वो आपकी वाटरमार्क बार को डिफाइन करेंगी कि ये जो लाइंस जा रही हैं ये वाटरमार्क बार की हैं। तो आपका ये जो ब्लैक कलर है ये पीछे ब्लैक कलर के साथ मिक्सअप नहीं होगा, और अगर उसके ऊपर व्हाइट कलर है तो आपकी ये जो व्हाइट स्ट्रोक है जो कि हम लोग यहाँ पे व्हाइट करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा व्हाइट से नीचे जो कलरिंग है उसमें हम रखेंगे। इसका जो कोड है वो F3F3F3 है। ये जो व्हाइट कलर है, ये जो व्हाइट बार की जो लाइंस होंगी, ये व्हाइट किसी भी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मिक्सअप नहीं होंगी, और ये आपको एक जो वाटरमार्क लाइन है वो आपको नजर आएगी। अगर आप लोग उसको टोटल व्हाइट कर देंगे तो टोटल व्हाइट इमेजेस के साथ ये जो उसकी बॉर्डर लाइंस है वो खत्म हो जाएंगी। ऑलराइट, सो अब हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रोक ऐड की है, इसका जो कोड है वो F3F3F3 दिया है। आई एम गोना प्रेस ओके। इसका जो साइज है उसको हम लोग करेंगे 2, एंड आई एम गोना प्रेस ओके। सो हम लोगों ने एक एम्प्टी फाइल ली। एम्प्टी फाइल लेने के बाद हम लोगों ने उसको सेलेक्ट ऑल किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म से हम लोगों ने उसकी प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट करने के बाद हम लोगों ने इसे फिल किया। फिल करने के बाद हम लोगों ने उसको डीसेलेक्ट किया, और उसके बाद उसकी ओपेसिटी को 35 किया। उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग ऑप्शंस में से हम लोगों ने उसकी स्ट्रोक को 2 किया, और उसका जो कलर है वो F3 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 से फिल किया। सो हम लोगों ने अपने एक्शंस में कुछ इस तरह किया है। अब मैं यहाँ पे अपने जो एक्शन पैलेट है उसमें जाऊंगा, और मैं यहाँ पे इसको करूंगा स्टॉप। सो अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन को स्टडी करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट सेट सिलेक्शन की है ऑल की, और उसके बाद हम लोगों ने इसे ट्रांसफॉर्म किया है, फिर हम लोगों ने एक न्यू लेयर ली है, फिर उसको फिल किया है, फिर उसकी हम लोगों ने जो भी सेटिंग की है, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी जो लेयर है उसका ओपेसिटी 35 की है, फिर उसके बाद उसकी हम लोगों ने जो जो भी ओपेसिटी और उसके जो भी ऑप्शंस थे उसमें से हम लोगों ने स्ट्रोक को चूज करके हम लोगों ने उसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में से उसको स्ट्रोक को 2 किया था। सो ये हमारा जो एक्शन है वाटरमार्क बार का, ये यहाँ पे बना है। मैंने इसको स्टॉप किया है। अब मैं यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए एक इमेज को लेकर आऊंगा, दिस इमेज। सो ये जो इमेज है ये काफी बड़ा इमेज है। हम लोगों ने जो अपनी बार बनाई है वो छोटे इमेज पे बनाई है। हम लोग यहाँ पे इसको प्ले करेंगे, सो ऑटोमेटिकली ये जो हमारी बार है यहाँ पर आ जाएगी। सो जब हम लोगों ने ये बार बना ली है और हम लोग इसके ऊपर टेक्स्ट अब लिखना चाहते हैं, जिस तरह के आप लोग टेक्स्ट देख सकते हैं हमारे पास ये जो इमेज है यहाँ पे, ये जो टेक्स्ट है, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं या इसको लिखना चाहते हैं, सो उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रशेस बना के रखे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, दिस इज ब्रश। आप लोग यहाँ पे 2500 बाय 2500 की एक फाइल लेंगे, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे कुछ इस तरह, और उसमें जितना भी टेक्स्ट आपका होगा आप उसे यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे। अगर मैं आपको कंट्रोल जी करके दिखाऊं तो इस तरह 2000 बाय 2500 पिक्सल्स की एक फाइल थी जिसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, और टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने उसको यहाँ पे इस तरह क्रॉप किया है, और क्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पे इसको मर्ज करूंगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट ई। मैंने इसको मर्ज कर दिया है। अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते, सेम लाइक दिस। ये भी एक मर्ज इमेज है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखने के बाद उसको क्रॉप किया है 2500 बाय 2500 की फाइल में, क्योंकि हमारे पास ये जो फोटोशॉप ब्रशेस हैं उसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 2500 से एंड होता है। सो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा है। लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे एडिट में जाएंगे और इसको डिफाइन ब्रश प्रीसेट करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक डिफाइन ब्रश प्रीसेट करूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी मैं अपना टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। लिखने के बाद मैं यहाँ पे इस ब्रश को नाम दूंगा,
सो मैंने यहाँ पे वाटरमार्क यूनिक एरेज के नाम से इसको एक ब्रश में तब्दील किया है. आई प्रेस ओके. मैं यहाँ पे दोबारा अपनी जो फाइल्स हैं जो मैं जिसको वाटरमार्क करना चाह रहा हूँ मैं वहाँ पे आऊँगा. और यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं बाय प्रेसिंग शिफ्ट की. आप लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इसकी ओपेसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं. हम लोगों ने जो एक्शन बनाया है उसी के अंदर आप लोग इसको इसका जो उसकी इसकी जो ओपेसिटी है उसको डिफाइन कर सकते हैं. सो मैं यहाँ पे इसको 50 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियरली नज़र आ सके. यहाँ पर आप लोगों को लाइन्स भी नज़र आ रही होंगी. मैं यहाँ पर ब्रश ओपन करूँगा और मैंने जो भी ब्रश प्रीसेट बनाया है मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लेके हमारे पास ये जो ब्रश है इसको मैं अपनी जो ब्रैकेट कीज हैं मैं उनसे बड़ा या छोटा कर सकता हूँ. सो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा. सो अगर आप लोग यहाँ पे ब्लैक यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे फोरग्राउंड वाइट यूज़ करके यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा. अब आप लोग इस इन दोनों को चूज़ कर सकते हैं और अपने जो मूव टूल है उसकी मदद से इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं. इसको एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो दूसरा ब्रश है जो कि हम लोगों ने ये वाला जो ब्रश है इसको भी आप लोगों ने एडिट और डिफाइन ब्रश प्रीसेट करना है और इसका नाम देना है. आपके पास दो ब्रशेज होंगे, एक डिटेल ब्रश होगा जो किस तरह है डिटेल्ड और एक सिर्फ आपकी कंपनी का नाम या फिर जो भी आप लोगों ने ब्रश बनाया है. मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूंगा और मैं दोबारा अपने ब्रशेज में से वो जो हमारे पास ब्रश है उसको चूज करूंगा. एंड दिस इज अ ब्रश, ह्यूज ह्यूज ब्रश. सो अगर मैं इसको छोटे साइज में भी लूंगा तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ बाय प्रेसिंग ब्रैकेट कीज. और मैं इसको इन दोनों को यहाँ पे अलाइन कर दूंगा. सो इस तरह आप लोगों ने ये जो बार है और ये जो ब्रशेस हैं ये बनानी है. अब आप लोग अपने इमेज को सेव कर सकते हैं. सो मैं इसको इमेज को ड्रैग करूंगा इन फोटोशॉप. मैं यहाँ पे एक्शंस में जाऊंगा और मैं अपने जो वाटरमार्क बार है उसको प्लेस करूंगा. सो राइट नाउ वी हैव व्हाइट कलर एज अ फोरग्राउंड और हम लोगों ने एक्शन में किया था कि हम लोगों ने अपना जो कलर है उसको फोरग्राउंड को फिल करना है. तो आप लोग यहाँ पे फोरग्राउंड कलर फिल कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूं और आप लोग किसी और कलर में ये बार लेकर आना चाहते हैं तो आप लोग उसमें भी लेकर आ सकते हैं. एंड इसको एडजस्ट करूंगा. अगर मैं चाहूं तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूं वरना ये सेंटर में भी फाइन है. सो गो फॉर दिस और मैं यहां पे एक न्यू लेयर ऐड करूंगा और हम लोग यहां पे ये जो हमारा नेम है इसको मैं प्लेस करता हूं विद वाइट कलर. इसकी जो ओपेसिटी है आप इसको भी कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है लाइक सो. और उसके बाद हम लोग हमारे पास ये जो दूसरा ब्रश है डिटेल्ड इसको भी मैं ऐड करूंगा यूजिंग ब्रैकेट कीज. और इसको भी मैं अलाइन करूंगा इस बार के साथ लाइक दिस. सो इस तरह आप लोग अपनी इमेजेस को वाटरमार्क कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो फोटोग्राफी की जो इमेजेस हैं कलेक्शन है वो कहीं पे भी यूज नहीं होगी अगर आप लोगों ने इनको प्रॉपरली वाटरमार्क किया होगा. आई होप कि आप लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ समझ आया हो कि आप लोग किस तरह वाटरमार्क इमेजेस के लिए बार बना सकते हैं, ब्रशेस बना सकते हैं और आप लोग इसको सेव कर सकते हैं. जब आप लोग ये वाटरमार्क कर लेंगे तो आप लोग बहुत सी किस्म के वाटरमार्क्स बना सकते हैं, बहुत सी किस्म के ब्रशेस बना सकते हैं और उनको बाद में आप लोग प्लेस कर सकते हैं, बार्स बना सकते हैं. सो अनलिमिटेड थिंग्स इन फोटोशॉप फॉर वाटरमार्किंग. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. प्लीज ज्वाइन अस ऑन facebook.emadrasa.com और आप लोग हमें emadrasa.com पर भी ज्वाइन कीजिए. emadrasa.com पर हम लोगों ने अब जो जितने भी हमारे पास ट्यूटोरियल्स हैं वो हम लोग जैसा कि बंद है YouTube पाकिस्तान में तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो एडवांस ट्यूटोरियल्स हैं उसमें से
काफ़ी ट्यूटोरियल्स जो हैं वो हम लोग इस वक्त अपनी ई मदरसा वेबसाइट के ऊपर लेके आ चुके हैं। सो आप लोग यहाँ पर भी डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं जितने भी ट्यूटोरियल्स इस वक्त अवेलेबल हैं ई मदरसा के। हम लोग न्यू सीरीज़ भी ऐड कर रहे हैं इंशाल्लाह, टिप्स एंड ट्रिक्स की जो सीरीज़ हैं वो ऐड कर रहे हैं, और इसके अलावा हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 या 2011 जो भी इस वक्त मार्केट में है इनकी हम लोग ट्रेनिंग भी ऐड कर रहे हैं इंशाल्लाह, और आई होप कि आप लोगों को इससे भी कुछ सीखने को मिले ताकि आप लोग कंप्यूटर को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनली इस्तेमाल कर सकें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ट्यूटोरियल।